तो संदीप भाई आप बताइए कि राजस्थान पुलिस में क्या स्ट्रेटजी यानी रहनी चाहिए, और तो बताइए आप भाई संदीप। दोस्तों मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आप पहले अच्छे से सिलेबस को रीड कर लें। जब आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, और अब की बार 150 क्वेश्चन 150 ही नंबर के हैं। तो उसके अंदर अब हम सब्जेक्ट की बात करें कि कौन से क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर रीजनिंग और कंप्यूटर के आते हैं, तो वो क्वेश्चन आते हैं 60 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद करें हम राजस्थान इंडिया जीके की, तो 60 ही नंबर के हैं ना? हाँ 60 ही नंबर के हैं इस बार, 60 के ही हैं। एक क्वेश्चन एक अंक का होगा इस बार, 60% है, 60 अंक है। इंडिया जीके की बात करें जिसके अंदर साइंस वगैरह समसामयिक मुद्दे सभी शामिल है, तो वो 35% आएंगे और 35 अंक है। उसके बाद अगर हम बात करें महिलाएं एवं बच्चों के प्रति अपराध, तो उससे संबंधित 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही अंक है। और लास्ट के अंदर राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति और आर्थिक स्थिति आदि, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे 45 और 45 ही नंबर के। तो दोस्तों सिलेबस को पढ़ने के बाद देखें तो बहुत बड़ा सिलेबस है, अगर हम पूरे को पढ़ने बैठ जाएं तो ये कोई आरएएस से कम नहीं है। बिल्कुल, अगर हम मतलब अच्छे से तैयारी करने चाहिए कि कम से कम मैटर को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि कंप्यूटर और रीजनिंग इसके अंदर देखते हैं तो 60 क्वेश्चन है, और 60 में से हम 60 कर सकते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन सभी कर सकते हैं, कंप्यूटर इतना कठिन नहीं आता। बिल्कुल भाई, नॉर्मल पूछे जाते हैं इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, उनमें भी ऐसे पूछेंगे कि इनपुट और आउटपुट्स के बीच से निकालेंगे आउटपुट कौन सा है, इनपुट कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार बताइए, लिनक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, ओपन सोर्स का कौन सा एग्जाम्पल, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप नॉर्मल 100-150 पेज की बुक पढ़ लेंगे तो आप कंप्यूटर के अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 के 30 कर देंगे, पूरे में से पूरे कर सकते हैं कंप्यूटर में। बिल्कुल सही बात है। और रीजनिंग में भी भाई, रीजनिंग का भी सेम है, और रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग के अंदर शुरुआत में जो कोडिंग डिकोडिंग है, कैलेंडर है, ये नॉर्मल है। अगर आप नहीं पढ़ के जाते इतनी, तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं विश्वास करता हूँ आपको नॉर्मल आता है इनके बारे में। और राजस्थान पुलिस के अंदर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आप देखते हैं उनको टिक कर देंगे। ये कोई एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं है जो इतनी कठिनता से आप कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे, कोई एसएससी एग्ज़ाम भी लेके आएंगे, तो इतनी कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो लास्ट के जो टॉपिक होते हैं ना, उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे वो कथन निष्कर्ष वाले आते हैं, वेन डायग्राम है, इस टाइप के क्वेश्चन पर आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप वो सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, और उनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी गलत होने की होती है। तो रीजनिंग के अंदर आप विशेष तौर पर वो लास्ट वाले जो लास्ट में होते हैं ना, उनके तरफ ध्यान दें। बिल्कुल भाई। और एक पोर्शन आता है महिलाएं और बच्चों के प्रति अपराध, तो 10 क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस विभाग ने 28 पेज की PDF डाल रखी है, तो आप उस 28 पेज को पढ़ लेते हैं तो आपके 10 नंबर पूरे बनते हैं। अब कोई है, कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं, आप कोई वकील तो बन नहीं रही। बिल्कुल सही बात है। हम ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेनिंग हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग में नहीं सिखाते उतना, तो बिल्कुल नहीं सिखाते भाई साहब। अगर मतलब कोई राइटरों की गाइडें लाती हैं, धारा वगैरह पढ़ने लग जाते हैं, सारी धाराएं पढ़ते हैं IPC CRPC की, तो भाई बाल अपराध आएगा 10 कितने नंबर का आएगा बाल अपराध संदीप भाई? 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा और 10 ही क्वेश्चन आएंगे। तो भाई नॉर्मल आएगा 28 पेज की PDF पे रटा मार लो ना, उससे बाहर कुछ तो आना नहीं संदीप भाई। मेरा ये मानना है 28 पेज की PDF के अंदर आपको कम से कम मैक्सिमम 20 धारा से ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल। और एग्जाम में आएगी तो 20 में से 4 या 5 धारा आएगी, उसी में से मिलेगी, उसी में से मिलेगी। बिल्कुल कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है PDF के अलावा। PDF साइट पर मिल जाएगी, डाउनलोड कर लो, वरना मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के अंदर। अब ये इधर उधर बढ़ रहे कोचिंगों में पढ़ने लग जाते हैं, अब वो दहेज वाला पढ़ा रहे हैं, दहेज के अंदर ही आप धारा पढ़ रहे हैं। दहेज की अधिनियम की धारा 1 में ये है, धारा 2 में परिभाषा है, धारा 3 के अंदर ये, तो ऐसी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या पढ़ो, सीधी बात है, अधिनियम कब का है और ये अधिनियम लागू कब हुआ और ये किससे संबंधित है, बस आपको इतनी बातें पता है तो ये काफ़ी सफिशियंट है। तो आप सभी अधिनियम को इसी प्रकार से याद कर लें कि पॉक्सो एक्ट कब का है, इसमें ये कब लागू किया गया, मोटी मोटी ये 3-4 बातें याद कर लो, और आपको PDF के अंदर केवल यही बातें मिलेंगी और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक काम कीजिए,
पहले उस पीडीएफ को आप प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट करवाने के बाद राजस्थान पुलिस के 2020 के अंदर जितने भी एग्जाम हुए, कितने एग्जाम हुए, 6 एग्जाम हुए थे क्या? हाँ, 6 शिफ्टें हुई थी, 6 शिफ्ट थी। सभी एग्जाम पेपर हाथ में ले लीजिए और मैच कीजिए कि उस पीडीएफ में से कोई क्वेश्चन बाहर से आया या नहीं आया। अब आपको पता है वो पीडीएफ ऐसा तो है नहीं एग्जाम होने के बाद आई हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो पीडीएफ पहले ही आ गई थी, पेपर से पहले आई थी। हाँ, तो आप एक काम करो, पहले उसे चेक करो, पहले इस्तेमाल करो, उसके बाद विश्वास करो। तो राजस्थान पुलिस पीडीएफ डालती है क्यों फिर? अगर क्वेश्चन नहीं आने होते तो भाई मेरे हिसाब से तो एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया पीडीएफ से। नहीं है भाई, मैंने खुद उसके अलावा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। पहले थोड़ा भरोसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसको पीडीएफ को पढ़ा और जगह वैसे भी पढ़ा, लेकिन एग्जाम देने के बाद ये पता चला कि हमने और पढ़ा, वो बेवकूफ़ी थी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर भाई साहब इधर उधर भटक रहे ना तो आप समझ लेना कि आप सिलेक्शन से पीछे जा रहे हो। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो 60 क्वेश्चन कंप्यूटर रीजनिंग के हो गए और 10 क्वेश्चन ये हो गए, 70 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसका मतलब 150 में से 70 क्वेश्चन का वेटेज निकालोगे तो मोस्टली 50% सिलेबस हो गया। बिल्कुल, और इस सिलेबस को आप अपनी अंगुलियों पर रट लीजिए। बिल्कुल, 70 में से आपके, मैं ये मानता हूँ सभी तो नहीं कर सकते, लेकिन 70 में से 1-2 क्वेश्चन तो आने पर ही गलत हो जाते हैं, तो आप 60 से 65 के बीच आपका स्कोर होना चाहिए। बिल्कुल भाई बिल्कुल। इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, फर्स्ट रैंक है इनकी श्रीगंगानगर से और रीट में 130 नंबर है, इन पे विश्वास कीजिए आप। अगर दोस्तों मेरे स्कोर की मैं बात करूं तो मेरा जीके के अंदर कोई विशेष स्कोर नहीं है, और मुझे एग्ज़ाम देने से पहले ही पता था कि ये तो नहीं पता था कि लेकिन 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, 30 रीजनिंग के आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन के अंदर रीजनिंग होगी और कंप्यूटर होगी, कंप्यूटर के कम से कम 20 क्वेश्चन तो होंगे ऐसे मानना था मेरा। तो 60 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन हो गए, 70 में से मेरे कम से कम 66-67 के करीब सही हैं। उसके बाद 80 क्वेश्चन बचे, उसमें से जीके के अंदर मेरा कोई विशेष स्कोर नहीं है। आप ये मान सकते हैं कि 45 क्वेश्चन आते हैं ना, 45 और 35 हो गए, यानी 80 हो गए, 80 में से होंगे कोई 50-55 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नॉर्मल बच्चों के भी है, जिसकी 50वीं रैंक है उनके भी 80 में से 50, तो वो उनके 60-60 मिल जाएंगे आपको, लेकिन उन्होंने रीजनिंग और कंप्यूटर पे इसे विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो इजी होता है ना उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सभी मोटी मोटी किताबें लाते हैं, लक्ष्य की बड़ी बड़ी बोला यार राजस्थान जी के पूरा मैं निपटा के रख दूंगा। क्या निपटा के रख दोगे यार, राजस्थान जी के थोड़ा थोड़ी है भाई साहब। आप नॉर्मल किताब भी पढ़ोगे तो आप मेरे हिसाब से 30-35-20-25 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएंगे, जो आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो भी करके आएंगे, नहीं करके आए आप बताइए। बिल्कुल भाई संदीप भाई, आपने इतनी बढ़िया बात कही, सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं इस चीज़ को, आपने जो बताया है सबसे उपयुक्त है। मैंने भी जयपुर से 18वीं रैंक प्राप्त की है जनरल से, मेरा भी सेम है कहना यही है कि आप पढ़िए एक किताब से, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। संदीप भाई ने बहुत अच्छा बताया है। तो संदीप भाई आप इंडिया जीके के लिए क्या बताना चाहेंगे? दोस्तों इंडिया जीके के लिए देखिए, उस वो एक बहुत बड़ा पोर्शन है। इंडिया जीके के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर आपका इतिहास भी आता है, ज्योग्राफी भी आती है, और क्या राजनीति विज्ञान भी आती है, और इकोनॉमिक संविधान है, इकोनॉमिक्स है, विज्ञान है, और कोई खेल से संबंधित मुद्दे, तो बहुत बड़ा मतलब सिलेबस है। तो इसके अंदर मैं विशेष रूप से ये बताना चाहूँगा कि आप संविधान पढ़िए। बिल्कुल, संविधान के अगर 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल, वो क्या अपने डे टू डे लाइफ से जुड़े होते हैं और हम सभी में से सभी कर सकते हैं। और एक जो इंडिया की जो कल्चर होती है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, उसके 5-7 टॉपिक लगते हैं, जैसे कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, सही बिल्कुल, वो शास्त्रीय भाषाएँ कौन सी है, नृत्य कौन से, नॉर्मल उनके 70 से 70 ये तो कम हो जाएंगे, लेकिन उनका ज़्यादा पोर्शन नहीं है, आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मॉडर्न इंडिया के अंदर आप पूरी मत पढ़िए, स्टैटिक पोर्शन को पढ़िए कि कौन सी तारीख को क्या हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन ने कि किसने कब अध्यक्षता की थी, 1896 के अधिवेशन में क्या हुआ था, तो इस प्रकार से आप तो स्टैटिक पोर्शन को ज़्यादा ध्यान दीजिए, कौन सा नारा किसने दिया, इस टाइप से ज़्यादा पढ़ने बढ़ जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और इतनी मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप भाई, आपने बहुत अच्छा बताया है। तो आपने संदीप भाई कितने दिन तैयारी की थी, मतलब राजस्थान पुलिस और रीट में का एग्ज़ाम पास हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मेरे दोस्तों को चैनल पर बताना चाहता हूँ कि कितने दिन तक तैयारी करें। तो दोस्तों देखिए, तैयारी तो मैं शुरू से ही करता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल दूँ कि मैंने तो एग्ज़ाम का फॉर्म लगा दिया
और मैंने 3-4 महीने या 2 महीने तैयारी की और मैं गंगानगर का टॉपर बन गया। ऐसी बात नहीं है, मैं पिछले ये मान के चलिए आप 2018-19 से लगातार जीके के बारे में कुछ इस प्रकार से पढ़ता रहा हूँ और मेरा मेन फोकस है वो टीचिंग की तरफ था, लेकिन रीट का एग्ज़ाम नहीं हुआ। उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ी पटवारी की तैयारी कर ले, तो मैंने पटवारी की खूब तैयारी की। ये मान के चलिए मैंने 8 से 9 महीने लगातार खूब तैयारी की है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान पुलिस के लिए आप इतना पढ़ोगे। मैंने पटवारी के लिए और वो एग्ज़ाम क्या आगे खिसकता गया तो मैं तैयारी करता गया, बीच में रुक नहीं इसका। लेकिन राजस्थान पुलिस के अंदर आपको इतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिलेक्शन लेना है तो मैंने आपको बता दिया 70 क्वेश्चन को आप रट लीजिए, उसके बाद वाले को आप छेड़िए मत, अपने आप से हो जाएंगे, नॉर्मल तरीके से पढ़ते रहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपको भाई। कोई नहीं रोक सकता, आप सभी से आगे जाएंगे। और मुझे विश्वास नहीं था कि मैंने ऐसी तैयारी नहीं की। मेरा ठीक है एग्ज़ाम यार राजस्थान पुलिस का पहले हो रहा है तो एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा योगदान वो 70 क्वेश्चन वाला रहा, इसलिए मेरी फर्स्ट रैंक आ गई। बाकी जीके मेरी कोई विशेष नंबर नहीं आए मेरे। बिल्कुल भाई, तो आप 70 क्वेश्चन को रट लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। बिल्कुल भाई, संदीप भाई बहुत अच्छा बताया, आपका नेचर शांत स्वभाव का और हसमुख है, आप बिल्कुल भी घमंड नहीं करते, गंगानगर के टॉपर होते हुए भी हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अभी? आपका चैनल बहुत शानदार है, मुझे बहुत खुशी हुई कि हम तो अब नौकरी लग गए तो थोड़ा नौकरी की ज़्यादा वैल्यू नहीं रही, लेकिन जो बच्चे घर में बैठे हैं, जो 6-6 महीने से 1 साल से 2 साल से जिन्होंने 2018 का एग्ज़ाम दिया, 2020 का एग्ज़ाम दिया और जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी की वैल्यू बहुत है। और आप उनको लगातार इस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपने पहले कितने वीडियो डाले, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने पहले भी इस टाइप के कुछ वीडियो डाले होंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। और जैसे हम ट्रेनिंग सेंटर में बैठे हैं तो जो तैयारी करने वाले हैं वो ज़रूर प्रेरित होंगे कि हम भी ट्रेनिंग सेंटर में जाएँ। तो मैं ये दिखाना चाहूँगा कि आप एक बार किशनगढ़ का ट्रेनिंग सेंटर जरूर दिखाएं इनको। बिल्कुल बिल्कुल, ये आरपीटीसी किशनगढ़ का ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर हम गोंदोलाव तालाब की तरफ बैठे हैं, और ये ट्रेनिंग सेंटर है हमारे आरपीटीसी किशनगढ़ का, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेंटर। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए साइड में दिखाई दे रहा है ना ये बिल्डिंग, ये है आरपीटीसी किशनगढ़ की बिल्डिंग जहाँ हम रहते हैं, बैरिक हैं। तो संदीप भाई एक सवाल मैं आपसे पूछना ज़रूर चूक गया, अभी पूछ लेता हूँ कि आपने कोचिंग वगैरह की है या ये कोचिंग का झूठा लफड़ा है, क्या मैटर है ये कोचिंग का? नहीं दोस्तों, मैंने आज तक कोचिंग नहीं की है, मेन बात ये है। आज तक कोचिंग नहीं की इन्होंने। कोचिंग वीडियो जरूर देखे जैसे कोई, हाँ वो तो होता है यूट्यूब पर, बिल्कुल ले लिया, लेकिन मैं उनसे कभी संतुष्ट भी नहीं हुआ। बिल्कुल, पहली बात यह कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हुआ, नंबर वन पॉइंट, जैसे राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी कोचिंग वर्तमान में एक ही है, कौन सी आप बताइए? उत्कर्ष क्लासेस। उत्कर्ष, बिल्कुल बिल्कुल, उत्कर्ष क्लासेस मेरा ये मानना है उसके अंदर टॉप फैकल्टी है और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो पढ़ाने लगते हैं तो वो रुकते नहीं है, वो लगातार पढ़ाते ही जाते हैं। उनका तो काम है पढ़ाना यार, बिल्कुल, वो नॉर्मल पढ़ा देंगे तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो मॉडल पेपर बनते थे राजस्थान पुलिस के, वो भी टॉप लेवल के भाई साहब, आरएस लेवल के मॉडल पेपर बनते थे। मॉडल पेपर देगा नंबर आएंगे 150 में से, यार मेरे तो 80 हुए यार, 80 बैठे की वो बैठ जाएगा, बिल्कुल भाई, दुनिया बाहर जाके पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, बिल्कुल। तो वो तो मेवाड़ को पढ़ा देते हैं 10-10 घंटा, बिल्कुल बिल्कुल। और राजस्थान पुलिस के लिए मेवाड़ पढ़ना है सिर्फ 1 घंटे का काम, बिल्कुल, ये बहुत थोड़ा सा लेवल का हो जाता है क्योंकि ताता नहीं संदीप भाई, मेन बात यही है। नॉर्मल पूछते हैं मेवाड़ के अंदर भाई कौन सा स्मारक किसने बनवाया, पहला राजा कौन था, ये वो पढ़ने लगा कितनी पत्नियां, कब कब का शासन काल रहा, उसने क्या किया, कोई मतलब नहीं है वो पढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप भाई एक सवाल और आपसे, नया बंदा अब मान लो तैयारी करने बैठता है तो एग्ज़ाम तक तैयारी हो जाएगी क्या उसकी, अगर कोई नया बंदा तैयारी कर रहा है? अब एग्ज़ाम मेरे हिसाब से मार्च तक तो नहीं होगी। मार्च कोई फिक्स नहीं है भाई, हम भी सोचते थे कब एग्ज़ाम होगी, कब एग्ज़ाम होगी, मार्च से आगे भी जा सकती है या जनवरी फरवरी में भी आयोजित हो सकती है, इसका कोई पता नहीं है भाई। जैसे हम मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम फरवरी एंड तक या मार्च के फर्स्ट तक, तो 2 महीने के टाइम के अंदर आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, अब वो बातें रिपीट होने लग जाएंगी,
क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर का सिलेबस कोई पहाड़ नहीं है, बिल्कुल छोटा सिलेबस है, छोटा सिलेबस है, 6 से 7 टॉपिक लगते हैं, बिल्कुल, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की विशेषताएं, और उसके बाद इनपुट आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्ल्ड, एमएस वर्ल्ड, एक्सेल, बिल्कुल, एक्सेल वर्ल्ड में भी ज्यादा नहीं, उसमें नॉर्मल ये इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, इस टाइप से मोटे मोटे याद कर, बिल्कुल बिल्कुल, वही बातें फिर दोबारा रिपीट हो रही हैं कि बिल्कुल, आप उन 70 क्वेश्चन को तो यार 20 दिन में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब, कहने का मतलब कर सकते हैं। मेरा तो एक ही मूल मंत्र है राजस्थान पुलिस का, मेरे पास कोई आरएएस की, कोई यूपीएससी स्ट्रेटेजी तो है नहीं। अगर आप राजस्थान पुलिस में लगना चाहते हो तो आप वो 70 क्वेश्चन बिल्कुल 60 दिन में भी कर सकते हैं, और जो लगातार तैयारी कर रहा है वो भी करेगा, तो आप कोई बड़ा इशू नहीं है। आप 70 क्वेश्चन कीजिए, पास वाले मैं आपके मान के चलता हूँ कि 40 से 50 क्वेश्चन करके आओगे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 120 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते, बिल्कुल संदीप अब भाई। आप कुछ वो ऐसे बोलेंगे सर 120 क्वेश्चन कहाँ ज़्यादा है, कोटा ग्रामीण के अंदर है, राजसमंद के अंदर है, उनका तो नहीं हुआ, तो उसमें तो आपके 75 में से 75 होते तो भी नहीं होता बिल्कुल बिल्कुल भाई, पूरे में से पूरे कर देते हैं बिल्कुल, तो कोटा ग्रामीण वालों का तो वो भी नहीं होता, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो बैकलॉग का जो सिस्टम था उसके अंदर एक्स सर्विसमैन को ले लिया, बिल्कुल बिल्कुल, और ये इश्यू ज्यादा एससी एसटी इनके लिए नहीं हुआ, ये ओबीसी वालों की ज्यादा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ओबीसी वालों की सीट है वो एक्स सर्विसमैन ले लोगे, इसलिए वहाँ की मेरिट ज्यादा गई है, आप आपका 112, 113, 115 में आराम से सिलेक्शन है। इसके बारे में हम कमेंट भी नहीं करना चाहते, ये अलग मामला है, तो वहाँ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी लोगों को जिनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है, किस्मत वाले हैं वो जहाँ सिलेक्शन हुआ है, और बहुत किस्मत, और श्रीगंगानगर से भाई भी भर्ती हैं फर्स्ट रैंक से, ये तो कुछ अलग ही हैं, इन्होंने अलग ही मेहनत की है, आपको बता दी कैसे मेहनत की, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई आपका, कुछ कहना चाहेंगे और आप? मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि एक बार नोट के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स इकट्ठी ना करें, बिल्कुल। अब मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा, जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग अंदर आपको पता है कितना टाइम मिलता है पढ़ने के लिए? टाइम बहुत कम मिलता है भाई साहब, वो भी मुश्किल से 1-2 घंटा रात को निकालने, अपने सोने के टाइम में से निकालने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं, बिल्कुल भाई, यानी हम ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अब रीट की तैयारी मेरे लिए तो यार सबसे बड़ा पहाड़ था, बिल्कुल, मेरे को लगना तो रीट में था, बिल्कुल, लग गए इसमें, अब इसको छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल, नौकरी लग जाती है उसको हम नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल, बिल्कुल, पहले चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नौकरी को ऐसे ठुकरा दूंगा, कोई नहीं, बिल्कुल, बेरोजगारी बहुत आज के समय में बेरोजगारी बहुत है भाई साहब। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं रीट की तैयारी कैसे करूँ यहाँ पर, बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूँ रीट के अंदर मेरे बीएसटीसी से 130 नंबर है, बिल्कुल, और यहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं 4.5 महीने से, बिल्कुल। तो ट्रेनिंग के अंदर रहते हुए 130 नंबर मेरा ये मानना है ठीक ठाक स्कोर है, बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा। जयपुर तैयारी कर रहे हैं और करें उनके भी नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, कोचिंगों में जो 3-3, 4-4 साल से लगे हुए उनके नहीं है भाई साहब 130 नंबर। अब आप ये पूछोगे यार ऐसा आपने ऐसा क्या पढ़ लिया यहाँ पर, तो मेरे पास कोई विशेष पुस्तक नहीं थी, बिल्कुल, मैंने अब वही फॉर्मूला फिर है, आप कोई भी एग्जाम पेपर ले लीजिए उसके अंदर आप सबसे पहले ये देखिए स्कोरिंग एरिया कहाँ पर है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें तो हिंदी आती है, संस्कृत आती है, बिल्कुल, और मैथ आती है, बिल्कुल, तो 90 क्वेश्चन थे, बिल्कुल। मुझे पता है मैं 90 में से अगर इतनी अच्छी तैयारी करूँ तो लगभग मैं इसके 75 से 80 क्वेश्चन कर सकता हूँ, बिल्कुल, और मैंने इसी फॉर्मूले पर तैयारी की, और इसके लिए भी मैं बुक्स नहीं पढ़ सकता, तो मैंने यहाँ पे मॉडल पेपर पे मॉडल पेपर लगाए, कम से कम मैंने 50 से 60 मॉडल पेपर तो संस्कृत के लगा दिए होंगे, और 30 से 35 मॉडल पेपर हिंदी के लगा दिए होंगे, और मैथ मेरे ठीक ठाक है तो उस पर मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया। तो 3 अगर 90 में से मेरे अच्छा नंबर हो गया, 70 से 75 तो कम हो जाते, मतलब 80 का स्कोर हो गया, बिल्कुल, बाद में फिर बचा क्या, 60 में से होगी 40-50 क्वेश्चन उसमें हो गए, बिल्कुल। मतलब मेन फोकस ये है कि आप जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल भाई। तो हम मारवाड़ी में कहें तो संदीप भाई आपने एक धमाका कर दिया, मतलब धमाको कर दियो रे छोरा 130 नंबर रीट में और फर्स्ट रैंक श्रीगंगानगर से। लोग बाग पूछ रहे थे मेरे को कि उस बंदे से मिलाइए जो मतलब सब कुछ बता दे हमारे को, तो आज संदीप भाई ने ये पूर्ति कर दी आपकी। मैं बता रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका है, इसे समझ लीजिए, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इन्होंने बताया वो पढ़ लीजिए बस,
आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये मानता हूँ जी। धन्यवाद संदीप भाई। धन्यवाद दोस्त।